उपमंडल के लोअर अंदोरा पंचायत की ज्योति बाला ने नागालैंड के कोहिमा में आयोजित हुई एक दिवसीय ओपन क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व परिवार का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से लगभग 100 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ज्योति ने प्रदेश की अन्य 5 साथियों के साथ अपना दम दिखाकर इस मेडल पर कब्जा जमाया है। मंगलवार को घर पहुंचने पर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राघव ठाकुर ने अपने साथियों के साथ उसे शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उनकी जीत की खुशी में केक काटा। ज्योति का चयन दिसंबर 2021 में कुल्लू में आयोजित हुई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अन्य 5 प्रतिभागियों के साथ हुआ था। ज्योति इससे पहले भी नेशनल लेवल पर 2 बार भाग ले चुकी है, मगर उसे दोनों बार निराशा ही हाथ लगी थी। ज्योति की कुछ कर दिखाने की जिद ही थी कि 2 बार हारने के बावजूद वह निराश नहीं हुई। वह हमेशा की तरह अपनी प्रैक्टिस में जुटी रही और आखिरकार सिल्वर मेडल जीतकर अपने परिजनों का नाम रोशन किया। ज्योति का लक्ष्य क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल को अपने गले की शान बनाना है। इसके लिए वह अब भी ग्राउंड में खूब पसीना बहाती है। ज्योति के पिता एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं, जबकि माता घर के काम देखती है। बड़ी बात है कि ज्योति की उपलब्धि अपने परिजनों और कोच के सहयोग से ही मिली है। अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला है। बेटा, अपने नागालैंड में क्रॉस कंट्री में ये जो सिल्वर मेडल जीता है, इस तो जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे पहले भी क्या आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? सर, किया था सर, मेडल इस बार फर्स्ट टाइम आया। कितनी बार पार्टिसिपेट किया आपने? सर, 3 बार नेशनल बनाया। तो उसमें क्या पोजीशन थी आपकी? सर, उसमें अंडर 20 में भागी थी, तो उसमें 25 थी पोजीशन। और ऑल इंडिया एंट्री यूनिवर्सिटी में गए थे, उसमें 1000 और 10000। अच्छा, तो अभी आप प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते हैं? सर, प्रैक्टिस मैं करती हूँ, श्री श्याम ठाकुर जी कोच है मेरे। आप कब से इसमें रेस में कब से पार्टिसिपेट कर रही हैं, और कब से आपको किससे ये प्रेरणा मिली थी इसके लिए आपको? सर, 2019 से सर मिले मेरे को, तो सर के पास कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस जब से। अभी आपकी पढ़ाई वगैरह क्या चल रही है बेटा? सर, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है सर। अच्छा, तो आगे आप क्या, आपका लक्ष्य क्या है? सर, मेरा लक्ष्य है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमए में एडमिशन लूंगी और साथ में गेम करूंगी और एनआईएस करनी है। अच्छा, यहाँ आपने जो पार्टिसिपेट किया कोहिमा में, कितने प्रतिभागी थे? सर, 100 से ऊपर थे। आपको कोहिमा किसकी तरफ से भेजा गया था? सर, हिमाचल एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, कितने बच्चे थे हिमाचल से? हिमाचल से सर 6 बच्चे गए थे सीनियर खेलने ना, और टीम थी हमारी क्रॉस कंट्री की ना, और ये ट्रॉफी भी उसकी वजह से आई है, और हम चारों मेडलिस्ट थे। अच्छा, तो सिल्वर मेडल आपको मिला है? यस सर, जो टीम में थे ना वो सभी चारों मेडल। नहीं नहीं, क्या आप अकेले ही मेडल के विजेता हैं या बाकी चारों भी? बाकी चारों को मिला सर, इकट्ठों को मिलता है ना। अच्छा, तो अभी आप गेम में आगे यहीं पे कोचिंग कर लेंगी या फिर कहीं आगे जाने का विचार है आपका? सर, फिलहाल तो यहीं दूंगी, फिर उसके बाद ओपन फेडरेशन खेल के ना मई में हमीरपुर से फिर आगे जाने का सोचना है। अच्छा, तो आपकी रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या है बच्चा? सर, दिनचर्या मेरी है जैसे सुबह ग्राउंड आना मैंने, और उसके बाद घर में खाकर पैसे जाकर और खाना वगैरह खाना। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप? सर, हमारा वर्कआउट के हिसाब से होता है सर, जैसे 1 घंटा रनिंग होती है और स्पीड वर्कआउट वगैरह सब होता है इसमें। प्रदेश के बाकी इंटरेस्टेड खिलाड़ियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो भी आगे बढ़े और देश का नाम, अपने हिमाचल का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। बेटा, अभी तक आपको गेम में आगे बढ़ने के लिए किसने सहयोग भी किया है? सर, हमारे कोच साहब यही है बस। नहीं, कोई वित्तीय सहायता भी कहीं से मिली आपको? सर, सहायता नहीं किसी से मिली। क्या सरकार की तरफ से कभी आपको कुछ मिला? सर, सरकार की तरफ। आप कॉलेज टाइम में क्रॉस कंट्री जा मतलब रेस करती थी, तो उस वक्त भी आपकी कोई अचीवमेंट है? सर, उस वक्त मैंने ना पहला नेशनल लगाया था आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। अच्छा, तो अभी तक आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिली? नहीं सर, अभी तक नहीं मिली।
तो आप उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से भी आपको कुछ कुछ सहायता। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और भी बुलंदियों को छू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमसे परीक्षित सैकड़ी की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट बैरल स्टार्ट्स फ्रॉम 16th March 2022। 10 टीम्स, 150 प्लेयर्स, 20 लीग मैचेस, 2 सेमीफाइनल्स एंड फाइनल विद ग्रैंड सेरेमनी। डोंट मिस ग्रैंड ओपनिंग। Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.